खबर है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से। स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी पुलवार निवासी ज्वाला प्रसाद के 3 भाइयों में छोटे पुत्र का गला दबाकर उसी के आवास पर सोते हालत में बीती रात हत्या कर दी गई। मृतक 37 वर्षीय राजेश श्रीवास्तव पुत्र ज्वाला प्रसाद स्थानीय कस्बे के वार्ड नंबर 6 में बने अपने 3 मंजिला मकान के बीच वाले तल पर अपनी पत्नी ममता श्रीवास्तव और अपने 4 वर्ष और 2 वर्ष के बच्चों के साथ रहता था। बताया जाता है कि आंशिक रूप से दिव्यांग तथा बेरोजगार युवक का अपनी पत्नी से आए दिन झगड़ा होता रहता था कि रात्रि उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मृतक की गला दबाकर हत्या हुई है। सीओ राम आशीष यादव ने बताया है कि घटना की सूचना पत्नी ममता ने डायल 112 पर दी। सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। सीओ समेत एडिशनल एसपी ने सुबह घटना स्थल का जायजा लिया और घर में हत्या के सबूतों को तलाशा। घटना स्थल पर पहुंचे एसपी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने घटना स्थल का जायजा लिया। एसपी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मृतक की पत्नी ने पूछताछ में बताया है कि नीचे का प्रवेश द्वार खुला था, 3 लोग मुंह बांध कर आए थे और मुझे और मेरे पति को मारा पीटा घटना को अंजाम दिया। एसपी के मुताबिक घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। सारे पहलुओं पर एक्सपर्ट टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। सारे पहलुओं को लेकर मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया जिसमें पत्नी और मामा को गिरफ्तार किया गया है। 2:45 की रात्रि में दुद्धी में एक युवक की हत्या हुई थी राजीव श्रीवास्तव, और इसकी सूचना हम लोगों को यूपी 112 पे 4:02 पर जो मृतक है उसकी पत्नी के द्वारा दी गई थी, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि 3 बदमाश चेहरा ढक कर के कमरे में आए और मुझे और मेरे पति को मारा और भाग गए और उसमें मेरे पति की मृत्यु हो गई। तो ये इवेंट जो है, जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे और जब इसकी छानबीन की गई तो ये ज्ञात हुआ कि घटना का समय 10:30 से 11 बजे रात था और उसमें काफ़ी विलम्ब भी था सूचना देने में। तो तभी से ये महिला जो थी वो उनकी पत्नी संदेह के दायरे में थी और उनके जो प्रश्नों के जवाब जो दे रही थी उसमें भी तालमेल नहीं था और ये लगने लगा था कि इनमें इनकी संलिप्तता अवश्य होगी। बाद में जब गहराई से पूछताछ की गई और इनके जो टेक्निकल डेटा थे मोबाइल वगैरह के तो उनको देखा गया, तो हमारी स्वार सर्विलांस और थाने की पुलिस और इन लोगों ने उसका विश्लेषण किया तो ये ज्ञात हुआ कि इनका जो है बहुत लंबे समय से एक लवकुश श्रीवास्तव जो इनका रिश्तेदार ही है उसके साथ प्रेम संबंध भी चल रहा था और ये लगातार उसके संपर्क में थी, और उसके बारे में जब पूछताछ की गई तो फिर इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कहा कि लवकुश और इन्होंने मिल करके अपनी पति की हत्या की है। लवकुश की तलाशी की गई तो बिंडमगंज रेलवे स्टेशन से उसको गिरफ्तार किया गया और महिला को भी पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया है। उसके पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है आरोपी लवकुश के पास से, जिसको उसने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ था कि अगर कोई पकड़ेगा या पकड़ने की चेष्टा करेगा तो उपयोग करेगा। पूछताछ में उसने बताया कि इन दोनों का प्रेम संबंध काफ़ी समय से था रिश्तेदार होने के नाते, और इधर जब पति पत्नी के बीच में विवाद होने लगा तो पत्नी ने खुद ही उसको बुलाया था, वो गुजरात में कहीं काम करता था, और अपने घर तक बुलाया और बुलाने के बाद पूर्व योजना के तहत रात्रि में उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई और ये सांकल बंद करके चला गया। ये भी पता लगा है कि उसने रात्रि में ही उस महिला के साथ मांग में सिंदूर रख के, जो कि वो सूरत से ही लेकर के आया था, उसने एक शादी भी रचा ली और उसके गले में मंगलसूत्र भी डाल दी। तो इस तरीके से इस एक सनसनीखेज अपराध का जिसमें एक युवक की हत्या हुई थी उसका अनावरण हो गया है और आज दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में है। खोल खोल पोस्ट के लिए सोनभद्र से दिनेश पांडे की रिपोर्ट। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।